देहरादून के रायपुर रोड के डील संस्थान के करीब बने पुल के बाएं ओर पुस्ता न होने की वजह से, पुल के नीचे कूड़े की साफ सफाई न होने की वजह से स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं लोगों में स्थानीय विधायक के प्रति आक्रोश भी है। विधायक को भी इस बाबत जानकारी होने के बावजूद भी कोई सुध नहीं ली जा रही। दरअसल कुछ महीने पहले पीडब्ल्यूडी विभाग ने इस पुल का निर्माण तो किया था, लेकिन पुल के बाईं ओर पुस्ता नहीं बनाया गया, जिस कारण मिट्टी का कटाव लगातार जारी रहा। आज स्थिति ये हो गई कि मिट्टी का कटाव इतना हो गया कि लोगों की दुकानों और घरों तक ये कटाव पहुंच चुका है। स्थानीय लोगों का कहना कि पुस्ते के निर्माण के लिए उन्होंने कई बार विधायक और प्रशासन को अवगत करवाया, लेकिन किसी ने भी सुध नहीं ली। अब बरसात सिर पर है, अगर जल्द ही पुस्ता नहीं बनता तो बरसात का पानी उनकी दुकानों और घरों तक पहुंच जाएगा, जिसके कारण भारी नुकसान भी होगा और कोई अप्रिय घटना भी हो सकती है। इसके अलावा लोगों का ये भी कहना है कि 11,000 वोल्ट का एक बिजली का खंभा भी गिरने की स्थिति में है, जिसकी चपेट में आने का खतरा भी लगातार बना हुआ है। पूरी गंदगी हो रखी है यहाँ पे। प्रशासन को बोला गया था, विधायक जी को बोला गया था कि पुस्ता लगा दिया जाए। 11,000 की लाइन है, ये पूरी गिरने वाली हो रही है, पूरी पानी की लाइन ध्वस्त हो गई है। ये इधर पुस्ता लगाने के लिए कई बार बोला गया प्रशासन से, पीडब्ल्यूडी से, लेकिन किसी ने सुनी नहीं। यहाँ तो बहुत ज़्यादा तकलीफ है और इस नाले से तो हमें बहुत ज़्यादा प्रशासन को हमने कई बार बुलाया, विधायक को भी बुला के दिखाया, लेकिन हमारे इस बातों पे कोई भी गौर नहीं किया जा रहा है। आने वाले समय में बरसातें शुरू होने वाली हैं, कितनी परेशानियों का सामना? बहुत ज़्यादा परेशानियों का, यहाँ बच्चे बूढ़े सब आते हैं, किसी तरह की हादसा भी हो सकता है। सरकार से ये निवेदन है कि जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई किया जाए। इसका मेन कारण है जो बड़े अधिकारी लोग हैं, वही इसके जिम्मेवार हैं। हमने कई बार कंप्लेंट कर दी, मेरे आगे के सामने से नाली नहीं बन रखी है, पूरी कंप्लीट नहीं। कई बार हमने पार्षद जी को भी बोल दिया, बड़े अधिकारियों को बोला, जेई साहब को बोला है, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं होता। वह हाँ हाँ करके डाल देते। अगर यहाँ पर इतने एक्सीडेंट होते हैं, यहाँ पर गाड़ी वाले गिर जाते हैं मेरे आगे, यहाँ पर ये देखिए ये सारा खाली पड़ा हुआ है। और अगर सपोज मैंने कोई गाड़ी वाला यहाँ गिर जाए तो दुर्घटना हो जाएगी। तो ये सारे जितने भी हैं सरकार के, तो हम तो मानते हैं सरकार का इसमें बहुत बड़ा हाथ रहता है। और दूसरा ये है कि जो अधिकारी लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं निभाते इसमें। संवाद 365 के लिए देहरादून से किशोर रावत की रिपोर्ट।